हाय गाइस। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ जून में, हम लोग मुंबई छोड़ के उड़ीसा चले गए थे और हम लोग हमारे गांव में थे। और हमारा जो गांव है वो एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पे 3 फैमिली रहते हैं और उसमें 14 मेंबर्स हैं। और एक दिन ऑल ऑफ ए सडन इन सितंबर सबको माइल्ड फीवर और वो थोड़ा थोड़ा कोविड के सिम्टम दिखने लगे। नौ नौ लोग एक साथ में अफेक्टेड थे, बट रोजा और मुझे ही सबसे ज्यादा वो सिम्टम्स था फीवर का। बट एज इट वॉज ए विलेज और वहाँ पे सबको माइल्ड सिम्टम्स था। और एक सोशल स्टिग्मा भी है आपके गांव में आजकल कि कोविड इज ए टैबू, टैबू यू कैन से। आपको कोविड हुआ है ऐसा टाइप का भी थोड़ा माइंडसेट है। आई एम नॉट सेइंग कि सबका माइंडसेट है, बट है थोड़ा तो वो डर है। तो इसके वजह से हम लोग ने रोजा और मैंने बहुत ट्राई किया कि टेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, और टेस्ट हम लोग कर नहीं पाए। और उसके वजह से हम लोग कभी श्योर नहीं हो पाए कि हमको कोविड हुआ है था कि नहीं हुआ था। बहुत सारे सिम्टम्स फ्लू से मैचिंग थे। रोजा एक सिम्टम क्या था बताओ जो तुम्हारा अभी तक चल रहा है, ठीक से नहीं आया? लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, ये तो सबसे बिगेस्ट सिम्टम ऑफ कोविड बोला जाता है। बट हमारा जो मेरा जो सिम्टम था वो तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। अभी तक मुझे 100% स्मेल वापस नहीं आया है। ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है। टेस्ट भी वैसे कुछ 7-8 दिन 10 दिन तक नहीं था, फिर मेरा भी ग्रेजुअली नहीं ग्रेजुअली वापस आया। बट स्मेल तो अभी तक वापस नहीं आया है 100%। तो रोजा और मैं दोनों 7-8 दिन में रिकवर कर गए थे। बाकी लोग तो और जल्दी रिकवर कर गए थे, विच वॉज रियली गुड। एक्चुअली जो ओल्ड लोग थे उनको हमसे कम अफेक्ट हुआ था। तो इसके लिए वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं किया और इतना कम सिम्टम्स में आई डोंट थिंक अलाउ भी करते हैं सीएचसी जो हैं। और इसके वजह से हम लोग बहुत डिलेमा में थे कि हमको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। एक चीज जो बहुत ही प्रोमिनेंट है रोजा और मेरे केस में कि हम लोग को लास्ट 8 ईयर्स में कभी फीवर नहीं हुआ है कभी। और ऑल ऑफ ए सडन अगर आपको ड्यूरिंग पैंडेमिक आपको फीवर होता है तो आपके मन में वो तो ट्रिगर करता है कि अच्छा मुझे लास्ट 8 ईयर्स में कभी एक थोड़ा सा फीवर भी नहीं हुआ, एकदम से कैसे हो गया। और जब आप एक जॉइंट फैमिली में, तो जहाँ पे बच्चे दौड़ते रहते हैं, लोग बाहर जाते हैं, बिजनेस भी है, तो थोड़ा तो वो था हमारे माइंड में कि कोविड है कि नहीं है। तो अभी जैसे हम लोग मुंबई आए तो फर्स्ट थिंग वी आर प्लानिंग टू डू इज डू ए एंटीबॉडी टेस्ट जस्ट टू मेक श्योर एंड हमारा पीस ऑफ माइंड हमको मिल जाएगा कि हमको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट जिसमें आपके बॉडी में ये वायरस के खिलाफ कितने एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है वो चेक करता है। तो ये अगर आपको कोविड होके गया है तो आफ्टर सम टाइम बोल रहे हैं डॉक्टर्स, बोल रहे हैं मे बी 1 मंथ या 1.5 महीने बाद आपके बॉडी में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। सो दैट आप वो टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको वो एंटीबॉडी डिटेक्ट करेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मे बी सम टाइम बैक मुझे कोविड हुआ था। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी है तो भी दैट इज अ पॉसिबिलिटी की आप अगर ये टेस्ट करेंगे और एंटीबॉडी काउंट हाई मिलता है तो दैट मीन्स कि आप एसिम्प्टोमेटिक थे। तो विच इज रियली गुड कि आपको कोई इफेक्ट नहीं था, आपके कोई सिम्टम्स नहीं था, और बट आपको एक टाइम पे कोविड हुआ था। सो एंटीबॉडी टेस्ट का जो पहला स्टेप है, कोई लैब या क्लिनिक जो एंटीबॉडी टेस्ट करता है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप लैब में जाके भी ये टेस्ट करा सकते हैं खुद अपना ब्लड सैंपल देके, या फिर बहुत सारे लैब्स अभी घर आके भी घर आके आपके सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं और वो आपको टेस्ट रिजल्ट्स ईमेल या फिर हार्ड कॉपी के तौर पे भी दे रहे हैं। सो हमारे लिए तो यही जो ऑनलाइन मतलब होम कलेक्शन वाला मेथड सही है। क्यों हम लोग क्लिनिक जाएंगे और हमको और ज़्यादा लोगों के साथ एक्सपोज करेंगे। सो डेफिनेटली हम लोग होम कलेक्शन वाला ही कर रहे हैं। तो मैंने मुंबई के कुछ रेप्यूटेड लैब्स फाइंड आउट किए एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। मैंने 3-4 लैब्स ट्राई किया। किसी का फ़ोन IVR में जा रहा है, किसी का वेबसाइट बस बफरिंग ही हो रहा है 5 मिनट से। जाके कर लो भाई। जाके नहीं करना ना, इतना मेहनत कौन करेगा। अरे 12 घंटा तुम ट्रैवल करके आए, अभी आधा घंटा जाके नहीं कर सकते क्या? लास्ट ऑप्शन तो वही है गाइस कि जाके करेंगे, बट आई वॉज होपिंग कि होम डिलीवरी है, होम चेकअप वुड बी इजियर। वन इटर्निटी लेटर। थैंक यू सो मच।
Hi, I wanted to know if you guys are doing COVID antibody test. Doctor prescription mandatory है. मुझे लग रहा है सब में अभी mandatory है शायद. तो doctor prescription क्या? कहाँ मिला है अभी doctor prescription? और एक lab बोला doctor prescription चाहिए. हम लोग गिव अप करने ही वाले थे कि एज अ लास्ट ट्राई मैंने थायरो केयर को कनेक्ट किया. बस व्हाट्सएप के थ्रू ही मेरा बुकिंग कंफर्म हो गया नेक्स्ट डे के लिए. और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उठे भी नहीं थे कि उनका बंदा हाजिर हो गया ब्लड सैंपल लेने. क्या है रिएक्शन? रोजा मुझे आयरन खिलाओ, मैं ब्लड निकल ही नहीं रहा था. ब्लड है, फ्लो नहीं हो रहा था तो अभी मैं फ्लो कराने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा, फ्लो फ्लो ये आप क्यों कर रहे? सो गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रूथ. अभी या तो घर में खुशखबरी आएगा कि वो एंटीबॉडी हाई एंटीबॉडी है, या फिर कोविड हुआ ही नहीं था, वो जस्ट फ्लू था. और अभी हम लोग को और भी कॉशस होके कॉशसली रहना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो रिपोर्ट आ गया है. रिपोर्ट तो आ गया है अभी. हमने ओपन नहीं किया है. ओपन करूं क्या? करो यस. मुझे कैसा लगता है बता है कि दोनों का 50-50% आएगा. अच्छा, मतलब तुम्हारा मेरा दोनों में से एक जन का हाई आएगा, एक जन का लो आएगा. एंड देन वी लो कि हमने पैसा बर्बाद कर दिया है क्योंकि रिपोर्ट मतलब टेस्ट ही सही नहीं है. तुमको क्या लगता है? कि ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी के बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी क्रिएट हो गया है, किसी के में नहीं हुआ है. देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट क्या हुआ है लेट्स सी. चलो यार, ये रिपोर्ट को पढ़ने में भी टाइम लगेगा. क्या है वैल्यू? ओ हाई है. रुको, देखो ना, 3.63. 3.63 हाई है, कैसे पता तुमको? अरे पॉजिटिव इज मोर देन 1.40. तो ये बहुत हाई है, बहुत हाई है. ये तो तुम्हारा है, तुम्हारा है. तो इसका रोजा का हाई एंटीबॉडी. तुम्हारा कहाँ है? मेरा किधर है? इसमें लिखा है पॉजिटिव इज एक्सपोज्ड एंड एंटीबॉडी डेवलप्ड, नेगेटिव इज एंटीबॉडी नॉट येट डेवलप्ड, मे और मे नॉट बी एक्सपोज्ड. एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड तो है. एक्सपोज्ड अभी अभी रोजा का अभी हाई एंटीबॉडी है, मतलब मेरा तो होगा ही. देखो अभी क्या है, अभी उसमें मुझे बिलीव नहीं हो रहा है. पता है, आई मीन आई काइंड ऑफ न्यू. हम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं, आई काइंड ऑफ न्यू कि मतलब वो कोविड था, बट टू सी. मतलब हाँ, मतलब ये इसलिए हम लोग खुश हो रहे हैं कि नाउ दैट वी आर 100% श्योर कि वो कोविड ही था. एंड ये ज्यादा अच्छा न्यूज है कि हमारे घर वाले जो एल्डरली थे उनको वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, विच इज रियली गुड. रोजा रियली गुड, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब डाउट था एंड सब कुछ था, बट टू सी इट लाइक दिस, ये देख के ना कैसा लग रहा है. अच्छा, मेरा पहले ही आ गया था, हमने ज्यादा एक्साइटमेंट में स्क्रोल ही नहीं किया नीचे. तो मेरा अभी मेरा देखते हैं क्या है रिजल्ट्स. क्या होगा रोजा? मुझे लग रहा है आसपास होगा, बट तुम्हारा मुझे कैसा लगता है? तुम गेस करो अभी. मेरा 3.4 है, तुम्हारा गेस करो. तुम्हारा 3.6 है ना? 3.4 नहीं नहीं 3.63 है. तो मेरा 3.2 के आसपास होगा.
हाँ मुझे भी उतना ही लग रहा है बिटवीन 3 to 3.4 ओ यस 3.5 तो तुम्हारा ज्यादा एंटीबॉडी है तुमको कैसा लग रहा है आई डोंट नो मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है यार नहीं मुझे अजीब नहीं मुझे अभी एक्चुअली मेरे को मुझे पीस मिल गया है अभी मतलब तो जैसे मैंने पहले बताया था इस वीडियो में कि हम लोग को लास्ट 8 ईयर्स से कभी फीवर हुआ ही नहीं और मुझे होता भी नहीं फीवर थोड़ा बहुत फ्लू मतलब कोल्ड मुझे रहता है बट फीवर कभी नहीं होता और इट वॉज रियली वियर्ड कि मुझे और रोजा एक दिन में दोनों को हो गया सो अभी पापा को फोन करके ये न्यूज बताते हैं कि तुम लोगों की सबका कोविड एंटीबॉडी डेवलप हो गया है हमारे लिए बहुत वीक हम लोग फील कर रहे थे खाना पीना ठीक से खा ही नहीं पा रहे थे रोजा को तो अभी तक भी ठीक से स्मेल नहीं होता अभी तक आप लोग तो मतलब Try to take as much as precaution, I would suggest. हम लोग घर से बाहर निकले ही नहीं थे Literally, we did not go out. और पापा जब भी बाहर जाते थे वो पूरा प्रिकॉशन लेके जाते थे और कैसे आएगा तुम बता ही नहीं सकते ना इतना सब प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर हो गया तो मतलब कुछ देयर इज नो गारंटी कि आपको किसको हो सकता है किसको होगा कैसे होगा ऑल यू कैन डू इज टेक एज मच एज प्रिकॉशन इज पॉसिबल और होप करें कि आपको ना हो दैट्स ऑल यू कैन डू करेक्ट अभी पापा मम्मी को कॉल करके उनका रिएक्शन देखते हैं एक्चुअली हम लोगों को अगर हुआ हाई एंटीबॉडी है हम लोगों को अगर कोविड हुआ था तो सबको हुआ था उनको भी हुआ था मम्मी किधर है मम्मी सो गया सो रोजा का एंटीबॉडी इंडेक्स इज 3.63 पापा ओके ओके पॉजिटिव हो गया एंटीबॉडी पॉजिटिव हाय 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 एंटीबॉडी पापा तन्मय सतपति का है 3.52 सेम टू सेम है ना नहीं मेरा थोड़ा ज्यादा एंटीबॉडी है चलेगा सबको तो पापा सबको हो गया उसी टाइम पे सबको हुआ था सबको हो गया होगा हमारा तो वहाँ पर टेस्ट नहीं होता हम क्या करेंगे तो आपको भी अभी पता चल गया ना कि आपका भी मतलब एंटीबॉडी डेवलप हो गया है इसको बोलकर क्या तुम चले जाओगे क्या परन घूमने के लिए नहीं वो तो बात का बात है नहीं ये तो जस्ट क्लियर करने के लिए था रोड पे नाचेंगे ऐसा तो है ही नहीं कि बिना मास्क के भी नहीं घूमेंगे सो यू नेवर नो राइट कि आप जितने भी सुनने में आ रहा है कि आपको फिर से भी कोविड हो सकता है तो यू हैव टू बी स्टिल कॉशियस इवन इफ यू हैव पॉजिटिव और हाई एंटीबॉडी इन योर बॉडी We are clear. अभी थोड़ा हम लोगों को मन का शांति तो मिल गया। Let's see what the next step or next phase is. So guys, this was a very, very unique and interesting video for us to make. Hopefully आपको भी कुछ जानने को मिला, कुछ आपको भी अच्छा लगा ये वीडियो देख के। अगर आपको इस सब के बारे में कुछ भी questions हैं, तो please feel free to ask us. हमको जितना भी पता है, हम आपको answer करेंगे। Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye. Bye-bye.